हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे वर्टिब्रेट की क्लासेस पढ़ेंगे। वर्टिब्रेट की क्लासेस में जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वर्टिब्रेट्स को हम लोग क्लासेस में डिवाइड करते हैं और वर्टिब्रेट्स एक कॉर्डेटा का ही सब फाइलम होता है। तो वर्टिब्रेट्स को हम तीन उसमें सब क्लास जो है ग्रुप में ले लेते हैं, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसिस और टेट्रापॉड। तो साइक्लोस्टोमेटा में फिश होती हैं, पाइसिस में भी फिश होती है। इसमें हम दो कैटेगरी लेते हैं, कॉन्ड्रिकाइथस, ऑस्टिकाइथस, कार्टिलेजिनस फिश, बोनी फिशेस। और टेट्रापॉड में फिर चार क्लासेस आती हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमिलिया। तो हम यहाँ पे अभी पहले लेते हैं साइक्लोस्टोमेटा। तो ये साइक्लोस्टोमेटा जो फिशेज हैं, ये जॉलेस फिशेज होती हैं। जॉलेस फिशेस, ठीक। और इसका जो नेमिंग है, साइक्लो मतलब सर्कुलर, स्टोमेटा, मेटा मतलब माउथ होता है। तो इनका जो है ये कॉमनली फॉर्म जॉलेस फिशेस या सर्कुलर माउथ फिशेस बोलते हैं, जिनका माउथ कैसा है, सर्कुलर, ठीक है। तो इसमें जो है ये इनका जो बॉडी होती है, ये जॉलेस वर्टिब्रेट हो गए, वर्टिब्रेट के अंदर है तो जॉलेस होते हैं और इलोंगेटेड इन लाइक बॉडी होती है। इलोंगेटेड इन लाइक बॉडी, और इनकी बॉडी जो है स्केल लेस होती है, इनकी बॉडी पर स्केल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। सर्कुलर माउथ होगी या स्लाइमी स्किन होती है, सर्कुलर माउथ, स्लाइमी स्किन। और क्या होते हैं इसमें, ये स्केललेस हो गई, स्केललेस और जॉलेस, दोनों चीजें मैंने यहां लिख दी हैं। स्केल्स भी एब्सेंट होते हैं इसमें और इनके माउथ में जॉ भी एब्सेंट होते हैं। और इसमें जो है एंडोस्केलेटन इनका किसका होगा, कार्टिलेज का। एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस होता है। हार्ट टू चैम्बर होगा। अब इसमें वर्टिब्रेटा के अंदर है, वर्टिब्रेटा के अंदर है तो वेंट्रल पोजीशन में हार्ट होगा। और कितने चैम्बर होंगे इसमें, टू चैम्बर, वन ऑरिकल एंड नेक्स्ट इज सेकेंड वन इज द वेंट्रिकल, ठीक है, दो चैम्बर हुए। और इसके अलावा ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं, एंडोपेरासिटिक ऑन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स पे ही कैसे होते हैं ये एंडोपेरासिटिक, यानी कि उस पर एज ए पैरासाइट रहते हैं बॉडी के ऊपर और क्या कर सकते हैं, फिर ये डिजीज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं इसमें टेरोमाइजोन, जिसको हम बोलते हैं इसका कॉमन नेम जो है वो क्या है, लैम्प्रे। कॉमन नेम आ गया इसका लैम्प्रे। सेकेंड एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल टेरोमाइजोन हो गया जिसको कॉमनली बोला गया लैम्प्रे, और नेक्स्ट है मिक्सिन जिसको बोलते हैं हैगफिश, जिसको कॉमनली बोला जाता है हैगफिश। तो यहाँ पे हम इसके सिर्फ दो एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास ले रहे हैं यहाँ पे पाइसिस ले रहे हैं, जिसमें कि मैंने दो क्लासेस बताई थी, कॉन्ड्रिकाइथस और सेकेंड इसमें है ऑस्टिकाइथस। ये दोनों ही फिशेज होती हैं और दोनों ही क्या है, एक्वेटिक एनिमल है, फिशेज हैं। तो इनका जो हैबिटेट है वो क्या था, एक्वेटिक है इनका। एक्वेटिक के बाद से फिर क्या हुआ, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ टेरेस्ट्रियल लाइफ आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो अब ये तो क्या हो गई, पूरी एक्वेटिक हो गया इसका। तो अब इनका जो हम इनको डिवाइड करते हैं, इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों को, वो किसके बेसिस पे करते हैं, इनके स्केलेटन के बेसिस पे। तो इसका एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस है और इसका एंडोस्केलेटन कैसा है, बोनी। एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस और इसका एंडोस्केलेटन कैसा होता है, बोनी, ठीक है। अब इसमें सेकेंड पॉइंट हम क्या लेंगे, दोनों की ही जो शेप है
वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन। ठीक है, दोनों ही फिशेज हैं तो दोनों की ही जो शेप होगी वो कैसी होगी, स्ट्रीमलाइन शेप होती है। स्ट्रीमलाइन शेप मतलब जैसे ये हम फिश बना रहे हैं इस तरीके से, तो यहां से पॉइंटेड है, जुड़ी हुई है, यहां से भी बीच में से ब्रॉड है, तो ये जो है स्ट्रीमलाइन शेप कहलाती है, या स्पिंडल शेप भी हम बोल देते हैं इसको। तो दोनों की ही जो शेप है वो कैसी है, मैं बीच में पॉइंट लिख रही हूं, ये स्ट्रीमलाइन, दोनों के लिए कॉमन पॉइंट आ गया, ये शेप इसकी कैसी हो गई, स्ट्रीमलाइन। और इसके अलावा जो है कार्टिलेजिनस हो गया, इनकी जो बॉडी पे स्केल्स होते हैं, स्केल्स के दोनों के टाइप्स अलग अलग हैं, दोनों की बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट हैं लेकिन इसमें नाम अलग अलग हैं। इनकी बॉडी पे स्केल एक पे रहते हैं साइड क्लॉकवाइज, इसमें स्केल्स होंगे क्लॉकवाइज, ठीक है, इसके अंदर कॉन्ड्रिकाइथस के अंदर, और इसके अंदर स्केल होते हैं साइक्लॉइड। ठीक है, साइक्लॉइड होते हैं, इसमें जो माउथ होता है वो होता है वेंट्रल पोजीशन पे, वेंट्रल इन पोजीशन, ठीक है, वेंट्रल पोजीशन पे होगा। और जो ऑस्टिकाइथस होती हैं, यानी कि बोनी फिशेस होती हैं, इसमें होता है टर्मिनल पोजीशन पे। टर्मिनल इन पोजीशन, ठीक है, देखिए जैसे मैंने ये फिश ड्रॉ करी इस तरीके से, तो यहां पे ही जो दिखा रहे हैं ये वेंट्रल पोजीशन हुई, ठीक है, ये वाली जो हम ये दिखा रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, वेंट्रल, और ये अगर मैंने दिखाया तो ये क्या हो गया, टर्मिनल, ठीक है, ये वेंट्रल नीचे की सरफेस पे, और जो इस तरीके से आ रहा है वो हो गया टर्मिनल। तो ये दोनों की माउथ में डिफरेंस होता है, कि पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है कि माउथ कहां पर है दोनों के अंदर, ठीक है। फिर हम उसके बाद इसमें लेते हैं कि इनके अंदर फोर पेयर्स गिल्स होते हैं, किसमें, ऑस्टियोकाइथस में, और जो इनके होते हैं कॉन्ड्रिकाइथस के, उसके होते हैं सेवन, फाइव और सेवन, ये फाइव और सेवन गिल्स, और इसमें कितने होते हैं, फोर पेयर गिल्स, ठीक है, फोर गिल्स होंगे इसमें, फोर पेयर्स ऑफ गिल्स बोल सकते हो, पेयर्स लिख सकते हैं हम इसे, पेयर्स ऑफ गिल्स, फिशेज हैं दोनों में, टू चैम्बर हर्ट होगा, कॉमन पॉइंट आ गया, ये टू चैम्बर हर्ट होगा, और दोनों ही कोल्ड ब्लडेड होंगी, कोल्ड ब्लडेड यानी कि जिनका की टेम्परेचर क्या होता रहता है, कॉन्स्टेंट नहीं होता, तो ये दोनों के अंदर कॉमन पॉइंट है, टू चैम्बर हर्ट है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है ये। और इनके अलावा इनमें फिन्स होते ही होते हैं, फिन्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो होता है ये जो क्या नाम है, एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है बोनी फिशेस के अंदर, और कार्टिलेजिनस में क्या होता है, एब्सेंट, इसमें, इसमें क्या होगा, एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, और इसमें क्या होता है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट, ठीक है, एयर ब्लैडर से उसको बॉयंसी मिलती है जिससे कि वो इजीली स्विम कर सकता है। इसके अलावा जो ये गिल्स होते हैं, गिल्स एक पाउच से कवर्ड होते हैं, तो बोनी फिशेस में वो ओपरकुलम या पाउच प्रेजेंट होता है लेकिन कार्टिलेजिनस में वो एब्सेंट होता है, गिल्स आर नॉट कवर्ड विद ओपरकुलम, ठीक है, यानी कि ओपरकुलम इसमें क्या हो गया, एब्सेंट, एंड गिल्स आर कवर्ड बाय ऑपरकुलम, वही एक्सक्रीशन इसमें किडनी की हेल्प से होगा, किडनी इसका जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा, और इसमें जो एक्सक्रीट होता है वो क्या होता है, अमोनिया,
है ना, इनका दोनों का ही एक्सक्रीट क्या होगा, अमोनिया। अमोनिया होगा और कोल्ड ब्लडेड हो गए और ओविपेरस होते हैं ये, ठीक है, दोनों एग ले करते हैं, ओविपेरस है। तो इसमें एग्जांपल्स आ जाते हैं, कार्टिलेजनस फिशेस में आ जाती है शार्क, ठीक है, शार्क है, कार्प है, नहीं सॉरी कार्प नहीं, इलेक्ट्रिक रे, इसमें एग्जांपल्स आएंगे शार्क, इलेक्ट्रिक रे। इलेक्ट्रिक रे का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है टॉर्पिडो, इसका साइंटिफिक नेम है टॉर्पिडो। एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसका साइंटिफिक नेम आ जाता है लिखने के लिए टॉर्पिडो। और एक होता है इसमें स्कॉलियोडॉन, स्कॉलियोडॉन, एक होती है स्टिंग रे, ठीक है, ये नाम है इनके, ठीक। और जो बोनी फिशेज हैं उनके अंदर आ जाता है कार्प और सी हॉर्स, ठीक है, क्या आ रहा है इसमें, कार्प सी हॉर्स, ये इसके एग्जांपल्स आ गए, ठीक है, इसके कार्टिलेजनस फिश के एग्जांपल इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हो गए यहाँ पे पाइसेस हो गया, साइक्लोस्ट्रोमेटा और पाइसेस, मैंने दो क्लासेस एक्सप्लेन करी आपको आज यहाँ पर। और इसमें इसके अलावा आगे की जो वीडियोस आएंगी मैं अपलोड करूंगी, उन वीडियोस में हम टेट्रापॉड की बाकी जो चार क्लासेस हैं वो हम उसमें डिस्क्राइब करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी ये जो एग्जांपल्स हैं या इनमें डिफरेंस आ जाता है दोनों फिशेस में करने के लिए, तो एग्जांपल्स का कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जो अगर आपको बुक में मेंशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ मैं बहुत जल्द आप लोगों के पास, तो थैंक यू।